भारत से पाकिस्तान गई अंजू ने इस्लाम अपनाकर नसीरुल्लाह से निकाह कर लिया है और अपना धर्म बदलकर अब वो फातिमा बन गई है। वहीं अब अंजू उर्फ फातिमा की वतन वापसी मुश्किल दिखाई दे रही है। दरअसल एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में अंजू उर्फ फातिमा ने कहा कि अब भारत आने लायक उन्हें नहीं छोड़ा गया है, अब यहाँ पर उन्हें कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। वहीं कानूनी तौर पर देखा जाए तो अंजू की राहें अब काफी मुश्किल हो गई है। दरअसल पाकिस्तान गई अलवर की भिवाड़ी की रहने वाली अंजू के लिए वतन वापसी अब आसान नहीं रही है। जिस तरह की प्रक्रिया उसने अपनाई है उससे उसका संकट अब दूर होता दिखाई नहीं दे रहा। निश्चित रूप से भारत वापसी होने पर अब वह जांच एजेंसियों की रडार पर होगी, क्योंकि सबसे पहले बड़ा सवाल है कि आखिर बिना पति की स्वीकृति या उसके हस्ताक्षर के उसका वीजा कैसे तैयार हुआ और कौन उसमें शामिल था। वहीं संबंध में पाकिस्तान गई अंजू के पति अरविंद ने भी पत्नी के वीजा और पासपोर्ट जांच की मांग की है। दरअसल अपनी प्रेमी से मिलने पाकिस्तान गई भिवाड़ी की अंजू के पति का कहना है कि वह कानूनी राय लेकर उसे तलाक देंगे और सरकार से उसके वीजा पर साइन के बारे में जांच की मांग भी करेंगे। वहीं अरविंद ने कहा कि मेरी अंजू से अब बात नहीं हुई है, लेकिन यह बात सामने आ गई है कि उसने नसीरुल्लाह से निकाह कर लिया है, क्योंकि जिस तरह से उसके वीडियो जारी हो रहे हैं उससे साफ है कि वह निकाह कर चुकी है और बच्चों से भी फिलहाल उसकी कोई भी बातचीत नहीं है। वहीं अंजू और उसके पाक प्रेमी के लगातार बयान बदले जाने के सवाल पर भी अरविंद ने कहा, ये तो तय है कि निकाह हो चुका है, अंजू लगातार झूठ बोल रही है, वीजा पर मेरे साइन नहीं है और कौन उसके साथ दिल्ली गया मुझे इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। क्या नाम है माता जी आपका? सुभावती। अच्छा, अंजू से क्या रिलेशन है आपका? वो हमारे जेठ का बहू है। जेठ की बहू थी जी। तो अंजू के सास ससुर जीवित हैं या स्वर्गवासी हो गए हैं? स्वर्गवासी हो गए हैं। अच्छा अच्छा, कहाँ रहते थे ये लोग पहले? पहले भिवाड़ी में रहते थे। अच्छा, तो अंजू के परिवार से आप लोगों के बीच कैसे संबंध बना, कैसे रिलेशन हुआ, शादी की बातचीत कैसे हुई अरविंद के साथ? अच्छा हुआ था। अच्छा अच्छा, तो क्या आसपास दोनों परिवार रहते थे भिवाड़ी में? जी। अच्छा, तो अंजू जो हैं यहाँ पे कब कब आई हैं? अपने देवर की शादी में आई थी। देवर की शादी में आई जी। थी। अच्छा, ये अभी जो अंजू हैं वो पाकिस्तान चली गई हैं, ठीक है, और वहाँ पे अपना नाम फातिमा उन्होंने कर लिया है, तो ये करना आपके लिए, आप इसको कैसे देखती हैं? आपके लिए मतलब ये अच्छा है, बुरा है, क्या है, आप लोगों पे क्या असर पड़ेगा इसका? जी, गलत असर पड़ रहा है। आपके बाल बच्चे हैं? जी। अच्छा, आपकी बात हुई इस बारे में अरविंद के साथ? जी नहीं, अरविंद से बात नहीं हुई। जी, न बात है न कोई हम लोग से फोन में बात होती है। अच्छा अच्छा, तो अरविंद ने बताया था ये बात आपको कि उनके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हो गई हैं? जी नहीं, जब फोन नंबर नहीं है तो बात कैसे होगा। अच्छा, उनका फोन भी नहीं आता है? नहीं, फोन नहीं। अच्छा, करते। आप लोगों के बीच कितने समय से बातचीत बंद है? बस वही आए थे अपने देवर की शादी में अरविंद अपने घरवाली को लेकर, तभी से बातचीत हुआ है। अच्छा, तो उस समय बात व्यवहार में अंजू कैसी थी आपके साथ? बात व्यवहार अच्छी थी, बातचीत आप लोगों के बीच? हाँ, व्यवहार अच्छा था उसका। अच्छा था जी। तो ऐसे मतलब उसके जाने के बाद, उस शादी के जाने के बाद आपके बीच कोई उनसे बातचीत नहीं हुई? जी नहीं। अच्छा अच्छा, तो क्या अब तो बहुत सारे लोग भी आ रहे होंगे इस बारे में पूछ रहे होंगे? जी, कल से आ रहे हैं। अच्छा, तो क्या मतलब कुछ तो परेशानी आपको समझ में आ रही होगी, क्या परेशानी है, क्या माहौल कैसे, कुछ लोग बोल रहे होंगे? जी, सुनने के तो बहुत मिल रहा है, बाकी सुनना ही है। पुलिस वाले भी आ रहे थे? हाँ, एक आए थे कल। अच्छा, क्या पुलिस वाले क्या आपसे बातचीत कर रहे हैं? वो ही पूछे कि बस कौन कौन है यहाँ, मैं बोली कि हम हैं, हमारे एक बच्चे हैं। अच्छा, यही सब पूछे। अच्छा, ज्यादा बात नहीं किए। ज्यादा बात नहीं किए जी। अच्छा, अंजू के कितने बच्चे हैं? एक लड़का है, एक लड़की। अच्छा, लड़का कितने साल का है? 5-6 साल का है लड़का। लड़का बड़ा है? हाँ नहीं, छोटा है लड़का, लड़का छोटा है। हाँ। और लड़की? लड़की बड़ी है। लड़की बड़ी है। अच्छा, तो अरविंद जो है वो, उनका स्वभाव कैसा है,
कहीं ये तो नहीं था कि उन मतलब गुस्सैल स्वभाव के हों इस वजह से? जी नहीं, वो बहुत सीधा लड़के हैं वो, अरविंद सीधे हैं। हाँ, किसी से झगड़ा लड़ाई करना नहीं, नशा पता ही नहीं करना, बहुत सीधे हैं अरविंद। बहुत सीधे हैं जी। अच्छा, तो आप लोगों को माता जी इस घटना की जानकारी कैसे मिली? जी हमको कल मिला था। कैसे मिला? मिला था कि 10-11 बजे हमारे आदमी फोन किए थे भिवाड़ी से, उनको भी कहीं खबर मिली थी, कोई रिश्तेदार हमारे जेठानी के हैं फोन किए। अच्छा। कि ऐसे ऐसे कहानी हो गया है, फिर वो हमारे आदमी के हैं बताई, तो हमारे आदमी हमसे बोले कि अंकित कमा से अंजू पता ना कहाँ 4 दिन से गायब है, नहीं है। हम सुन के पटा गए, फिर हम बहुत निराश दुखित थे। उसके बाद में हम मोबाइल में टीवी में हम न्यूज देखने लगे कि वो पाकिस्तान चले। अच्छा, अंजू के पाकिस्तान जाने की आपको जानकारी कैसे मिली? जी हमारे आदमी बताए थे। क्या बोले वो? वो बोले थे कि अंजू पता ना 4 दिन से पता ना कहाँ है, भगी गई है कि कहाँ है। उसके बाद में हम दुखित हो गए कि ऐसी बात है, कहाँ गई नहीं गई, इस बारे में तो न कोई फोन आया न कुछ, हमको मालूम नहीं था। बाकी मोबाइल में और टीवी में हमको पता चला कि अंजू पाकिस्तान चली गई है जी, बस इतना ही हमको मालूम चला था कल। अच्छा अच्छा, तो उसके बाद अगर आस पड़ोस के लोग भी आपसे इस बारे में पूछ रहे होंगे? जी हाँ, जब मीडिया वाले आने लगे हमारे घर पर, तो ये तो बात अंजू के बारे में पाकिस्तान जाने के बाद बारे में अड़ोसी पड़ोसी को मालूम था, बाकी हमसे बताए नहीं। अच्छा अच्छा, कि ये दुखित हो जाएंगे। यही बात है सर। अच्छा माता जी, पहले जो जैसी खबरें आ रही थी कि अंजू ने ये बोला था कि एक सीमा हैदर नाम की जो लड़की है वो पाकिस्तान से भारत आई है, तो अंजू पहले ये कह रही थी कि मैं सीमा जैसी नहीं हूँ, मैं शादी नहीं करूँगी, मैं 2 दिन में वापस आ जाऊँगी। लेकिन अब पता चला है कि अंजू जो है वहाँ पे उन्होंने इस्लाम अपना लिया है और उन्होंने वहाँ पे शादी कर ली है। जी, तो अभी हमारे आदमी से बात हो रहा था, तब तक ले आप लोग आए हैं। अच्छा अच्छा, इसी बारे में। अच्छा, मैं बोली कि नहीं, वो तो मीडिया वाले आए थे दोपहर में, तो कह रहे थे कि से जो है वहाँ के लड़का है कि आदमी है, वो शादी करने के लिए नहीं कह रहा है, वो वापस आएगी, वो जरूर वापस आएगी। तो मैं वही उनसे जवाब सवाल कर रही थी अपना आदमी से कि नहीं अंकित के पापा, वो आएगी। हाँ, सब लोग कह रहे हैं कि वो आएगी, वहाँ रहेगी नहीं, इसे वहाँ के भेज देंगे, रखेंगे नहीं। लेकिन अब तो उन्होंने वहाँ पे इस्लाम धर्म अपना लिया है, जैसी मतलब खबरें वहाँ से पाकिस्तान से आ रही हैं कि उन्होंने वहाँ पे इस्लाम अपना लिया है, अब उनका नया नाम फातिमा हो गया है और उन्होंने वहाँ पे शादी भी कर ली है जी। तो इसको कैसे देखती हैं आप? कैसे देखे सर, हमारा तो दिमाग डिस्टर्ब चल रहा है ऐसे ही कल से भी, ना हम लोग अच्छा से खा रहे हैं ना पी रहे हैं, गाँव गाँव के तरह तरह का बात हम लोग सुन रहे हैं, तरह तरह के बात लोग बोल रहे हैं, तो हम दिमाग हमारा काम नहीं कर रहा है, ये जानिए कि हम क्या सोचे या क्या बोले क्या नहीं कहे। हम शादी कर दिया, बेटी जाने दामाद जाने, जब से शादी किया है वो उसने अपनी शनक पना नहीं छोड़ा है, जो दिल में आता है करता है, जो मर्जी करता है, मतलब मेंटली डिस्टर्ब है वो लड़की। हाँ जी, बच्चों को भी हमारे पत्नी ने पाल पोस के बड़ा किया है। अब ये सनक है या क्या है, अब मैं क्या बोल सकता हूँ? सनक में एक देश से दूसरे देश पहुँचना तो समस्या। हाँ, तो वो सनक ही है, अपने परिवार बच्चों को छोड़कर। हाँ, तो मैं क्या बोल। बता दें कि पाकिस्तान से एक वीडियो हाल ही में जारी हुआ था जिसमें अंजू का प्रेमी नसीरुल्लाह कह रहा है कि शादी नहीं की गई है। इस सवाल पर अरविंद का कहना है कि वो झूठ बोल रहे हैं, फिलहाल मैं अंजू को स्वीकार नहीं करूंगा और बच्चे तय करेंगे कि उन्हें किसके साथ रहना है। मेरी बेटी भी अपनी माँ के साथ रहने के लिए मना कर रही है, कब उसने पासपोर्ट बनवाया इस संबंध में कोई भी जानकारी नहीं। फिलहाल अंजू धर्म परिवर्तन करके फातिमा बन चुकी है और ऐसी सूचनाएं भी मिल रही हैं। इसके बाद लगातार देश की मीडिया में यह मामला पूरी तरह से चर्चा में आ चुका है, क्योंकि पिछले महीने पाकिस्तान की सीमा हैदर भी भारत आई थी और सचिन मीना से उसने शादी करके अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था। सीमा हैदर के 4 बच्चे हैं। ये मामला पूरी तरह से इसी से जोड़कर देखा जा रहा है कि आखिर में अंजू का पाकिस्तान जाने के लिए सहयोग करने वाले कौन कौन थे, और एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या भारत की सीमाएं इतनी आसान है कि उन्हें बहुत ही आसानी से लांघा जा सके।